हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। सो बस अभी मॉर्निंग हो चुकी है और ब्रेकफास्ट में आज मैंने बाहर के पोहे मंगाए हैं, मतलब हमारे यहाँ के फेमस लवली पोहा। तो आज हम वही नाश्ता करेंगे और साथ में है जलेबियाँ। और पता है रात में मुझे ना सपने में जलेबियाँ दिख रही थी, तो इसलिए मैंने इनसे जलेबियाँ मंगाई हैं। आज बन रहे हैं पुलाव और यहाँ पे बन रहा है चिकन। मैं अभी आप लोगों को खोल के नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि हुरैन है मेरे साथ। ये लड़की मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ती है। ये लड़की मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ती। सो गाइस, खाना हमने खा लिया है, अब हम जा रहे हैं मेला देखने के लिए क्योंकि आज संडे भी है और मामू भी आए हुए हैं। तो सडनली हमारा प्लान बन गया कि चलो मेला चलते हैं थोड़ी देर के लिए ही। तो बस हम अभी यहाँ पर रेडी हो गए हैं और हमेशा की तरह हुरैन को भी लेकर के जा रहे हैं आज। तो ना उसका बैग वैग रेडी करना पड़ता है, फिर उसकी जो बॉटल है दूध की और पानी की बॉटल है, और अभी सर्दियों का टाइम है तो उसका टोपा वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ बैग में मैं रख रही थी। तो चलो चलते हैं। उरु के फ्रेंड आ चुके हैं। हैं उरु फ्रेंड है? फ्रेंड्स है आपके? उरु के फ्रेंड्स है इतने बड़े बड़े? नाम बताओ अपना। चलो नाम बताओ। भगो भगो यहाँ से। मैं कह रही पहले तो बैठो, बैठो ना रहिए तो भगो। मम्मी बेचारी जा ही नहीं पाती, कुछ ना कुछ चक्कर हो जाता है उनका। सो गाइस, फाइनली हम लोग मेला आ चुके हैं और मैं मम्मी से बोल रही थी मम्मी तुम भी चलो, तो बोलने लगे कि नहीं पापा आएंगे खाना खाने के लिए, कहीं कुछ मतलब उनका कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, वो कहीं जा नहीं पाती हैं। तो मैं वो वही बोल रही थी कि मम्मी तुम तो हमेशा ऐसे ही करती हो, इतनी सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर जो है ना है, तो वो बस वही निभाते निभाते वो कभी कुछ अपने शौक पूरे नहीं कर पाएंगे। सारी मम्मियों का यही रहता है कि अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने हस्बैंड का ख्याल रखना, इसी में ही सारी ज़िंदगी उनकी निकल जाती है। लेकिन कहीं घूमना फिरना या कहीं अपने खुद के शौक कहीं ना कहीं उनके दब जाते हैं, तो वो चीज़ पूरे नहीं कर पाती हैं वो। तो हम लोग यहाँ पर वही बात कर रहे थे, खैर मम्मी तो नहीं आई, तो फिर यहाँ पे हम लोग अभी मेला आ गए। तो यहाँ पे मामू देख रहे हैं अपने लिए मफलर, ये कुछ स्टॉल टाइप में था तो बस उन्होंने यहाँ से वो लिया है। मुझे पसंद करा रहे थे कौन सा लूँ कौन सा अच्छा रहेगा, मैंने बोला यही वाला अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से फिर हमने वो लिया। फिर उसके बाद ये देखो मेले के अंदर जो है ना ये कठपुतलियाँ जो होती है ना वो भी आई हुई थी इस बार, पहले कभी नहीं आई लेकिन इस बार कठपुतली जो है ना यहाँ पे आई हुई थी बिकने के लिए, और हाथ से बने हुए बहुत सारे आइटम भी आए थे। तो और इस बार जो है ना नए नए झूले भी आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। और भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा थी ना, आज संडे था तो संडे के दिन हमारे यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। तो बस यही है ना कि एकदम ऐसे तो ऊपर से धूप थी और ऊपर से भीड़ भाड़ भी थी, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है। खैर बस यहाँ पे मामू वगैरह से थोड़ी देर के लिए ही हम लोग गए हुए थे, तो खूब इन्जॉय कर लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे हुरैन को बैठा दिया है तो वो भी एंजॉय कर रही है। बच्चे तो क्या है ना एकदम सीरियसली होकर बैठ जाते हैं, लेकिन माँ बाप को बड़ा शौक होता है कि उनके बच्चे जो है ना सारी चीज़ें करें, एक्टिविटी वगैरह, और खूब एंजॉय करें। लेकिन हुरैन यहाँ पे कुछ मज़े नहीं ले रही थी, वो एकदम शांत होकर के बैठ गई थी। तो ये झूले थे और यहाँ पे हमने कैंडीज खाई जिसे हम गुड़िया के बाल बोलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, हम बचपन से खाते आ रहे हैं और जब भी हम मेला जाते थे ये चीज़ मैं ज़रूर खाती थी। और यहाँ पे मामू चल गए हैं नाव वाले झूले पर, तो बस वो यहाँ से हाय बोल रहे हैं आप लोगों को। और बस यहाँ पे वो बैठे नहीं थे, एकदम से जो है ना सबसे ऊपर जा कर के खड़े हो गए थे और वहीं से वो जो है ना हाय बोल रहे थे। तो मेले का मतलब झूले का मज़ा यही है, नाव में ज़्यादातर लोग बैठते हैं तो सबसे ऊपर जा कर के बैठते हैं, नहीं मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं तो भी बीच में ही बैठती हूँ। वैसे एक झूले से ज़्यादा मैं नहीं झूल सकती हूँ क्योंकि ना मुझे वॉमिटिंग हो जाती है, तो इसलिए जो है ना मैं झूले थोड़े से अवॉइड ही करती हूँ। और बस होते हैं कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, हर एक राइड लेते हैं,
लेकिन मुझे नहीं है ज़्यादा पसंद। तो बस यहाँ पे मामू और जैकी भाई गए हुए थे, तो जैकी भाई तो एकदम शांति से बैठे हुए हैं, वो नहीं देखेंगे आप लोगों को, लेकिन मामू थोड़ा सा हैं एक्टिव से, और वो बढ़िया कॉमेडी करते हैं और बढ़िया मतलब एंजॉय करते हैं हर एक चीज़ को, तो बस वही है। और यहाँ पे अभी हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं कि होरेन को हम इसमें बैठाएंगे, तो मतलब मेरा ही मन कर रहा था कि हम इसमें झुलाएंगे उसको और इसमें झुलाएंगे, लेकिन बस वही है ना कि होरन थोड़ा सा एंजॉय नहीं कर रही थी, मतलब एकदम सीरियस होकर बैठी हुई थी। और यहाँ पे अभी हम लोग खा रहे हैं सॉफ्टी, अकेली नहीं बैठ सकती थी तो फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे। और बस उसके बाद फिर जो है ना होरेन सो गई थी, तो फिर हम लोग जल्दी से फिर निकल आए और मामू चले गए हैं, वही मेले से ही चले गए थे वो डायरेक्ट, उनकी ट्रेन का टाइम हो गया था। और बस उसके बाद आने के बाद यहाँ पे मैंने बनाई है चाय और रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि जैकी भाई जो है भोपाल जा रहे हैं, उनकी मीटिंग है, तो इसलिए जो है ना उनके लिए टिफिन रेडी करना है, टाइम हो गया तो बस यहाँ पे अभी वो निकल और रहे क्या, हैं। निकल जाओ, अल्लाह हाफिज। दम तनी से देखिए बोतल नहीं है, रख लिया हुरू, अल्लाह हाफिज करो मामू को, रोटी और दे दी बोल दी अब सब। हाँ मेरी यहाँ पे रोटी जल जाएगी, मैं इसको देख लूँ नहीं तो रोटी जल जाएगी। सो गाइस मेले से तो बहुत टाइम का हम लोग लौट आए हैं और बस अभी खाना पीना बनाया और जैकी भाई भी चले गए हैं और हम लोग अभी बैठे थे फ्री, क्योंकि आज खाना वाना बनाना नहीं था, दोपहर में ही बनाया था तो सबने उसी टाइम पे खाया शाम को, तो फिर अभी भूख नहीं है किसी को, तो किसी को खाना पीना नहीं खाना है, तो आज हम फ्री हैं। और ये देखो मैंने ये गली कुर्ती बहुत टाइम के बाद निकाली है अपनी, क्योंकि आज हम मेला गए थे। तो यार मेले में मुझे कुछ मतलब खास पसंद वसंद बिल्कुल भी नहीं आता है मुझे मेले में, और मुझे मेले की भीड़ भाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है शुरू से ही, लेकिन वही था ना कि आज मामू आए हुए थे तो फिर चलो सोचा कि उनको घुमा देते हैं थोड़ा मेला वेला, तो बस वो भी फिर वहीं के वहीं जो है ना निकल गए थे वहाँ से, तो फिर उसके बाद हम लोग जो है घर आ गए, क्योंकि उनकी ट्रेन थी 5 बजे की और उनको जाना था अर्जेंटली, वैसे भी संडे इवनिंग में वो चले ही जाते हैं अक्सर, सैटरडे नाइट आ जाते हैं और संडे को चले जाते हैं जब हम लोग बुला लेते हैं उनको तब। तो जो है उनका एक फ्रेंड है जो कि अभी गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं वेट लिफ्टिंग में, तो बस उन्हीं का वेलकम करने के लिए वो चले गए, तो फिर और कल से फिर उनको जिम भी देखना है अपना, तो इसलिए वो रुके नहीं। खैर चलो नेक्स्ट टाइम बुला लेंगे उनको, फिर आराम से बैठेंगे बातचीत करेंगे। और इस बार जो है ना मैंने भी सही से नहीं मिलवा पाया आप लोगों को मामू से, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, रात में 1 बजे आए थे वो ट्रेन से और उसके बाद जो है फिर सो ही गए खाना वाना खा के, सुबह उठे 10:30 बजे, फिर जो है थोड़ा सा ऐसी बातें बातें की, मैंने खाना वाना बनाया, फिर उसके बाद खाना खा कर मेले चले गए थे, तो ऐसे ही सारा टाइम जो है ना निकल गया हमारा। तो बस अभी होरेन जो है आगे खेल रही है, तो मैंने सोचा कि रूम इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है ना अभी ये देखो, तो बस मैंने सोचा कि चलो इसको ना क्लीन कर लेती, क्योंकि वो अभी आगे खेल रही है। बेडशीट वगैरह झड़ा देती हूँ, और यहाँ पे भी देखो सारे में बिस्किट बिस्किट हो रखे हैं ये, चलो क्लीन करते हैं। मैं भी क्या बोल रही हूँ ना, मुझे ही करना होगा, आप लोगों तो आप लोग तो सिर्फ देखोगे। दो साल हो गए फुप्पी को ना। दो साल हो गए।
तो यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, क्योंकि मम्मी की, पापा की और फुप्पी की बातें चल रही थी यहाँ पे, और फुप्पी को 2 साल हो गए हैं गए हुए, और बस यहीं जाके जो है ना माँ बाप की बहुत याद आती है, और साथ में हमारी फुप्पी जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो वो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, तो बस मैं इनको याद, तो बस यहाँ पे जो है ये रो रहे थे, तो मैं इनको शांत करा रही थी, लेकिन इनको नहीं पता कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं आई हुई थी यहाँ रूम में और ये रो रहे थे, तो बस इसलिए मैं हंसाने की कोशिश भी कर रही हूँ इनको, लेकिन बस वही है ना कि देखो याद तो फिर आती ही है। तो आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें, मेरे सास ससुर के लिए, फूफी जान के लिए, और जो भी इस दुनिया से चले गए हैं उन सभी की मगफिरत के लिए दुआ करना। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मिली आप मेरी फूफी जान से, और मम्मी जी से आप मिल ली हैं पहले, और जो मैं आपको फूफी जान से मिलाने के लिए ब्लॉग में लाया हूँ फूफी जान को, और आपको जी तो पता ही है झांसी से हैं, हमारी दो लाइने बता दिया था आपको। जी हमारी फूफी, अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी भाभी है जी, हमारी भतीजी है, हमारा मायका है, ये लोग हमें बहुत चाहते हैं जी। मेरी नंद भाई है, हाँ जब भी बुला जब आ जाती हैं, वो अपने भतीजे से भतीजे से बहुत प्यार है, हाँ उनकी बीपी हाई रहती है, तभी इतनी ख़राब होने पे भी आ जाती है, वो बुला उन्हें बहुत प्यार है उनको, भतीजे से भाभी भैया से भाइयों से जब भी बुलाओ जब आ जाती हैं। और फूफी जान हमें अपनी दादी के बारे में बताती हैं कि हमारी दादी कैसी थी, क्योंकि हमने उनको देखा नहीं है कभी वो, और हमारी मम्मी ने भी देखा नहीं है दादी को, लेकिन वो फूफी जान बताती हैं उनके बारे में। हमारी मम्मी, हाँ फूफी पहले यानी वो घर का यानी सब कुछ यानी घर पे ही सब करती थी ना, हाँ सब, जैसे घी निकालना, हाँ भैंस, हमारे भैंस भी पली हुई थी, बकरी भी थी, बकरियां भी थी है ना, हाँ घर में सब बनाती थी, हाँ और क्या नाम मतलब मठा बनाती थी, हर चीज घर का घी रहता था, घर का दूध सब चीज। और बताइए फूफी कैसा क्या होता था त्योहार पे, यानी ईद पर क्या होता था कैसा? हाँ ईद पर का बनता था, उधर ईद पे क्या बनता था? चावल बनते थे, इतने अच्छे चावल रहते थे पहले के, बने तो पूरे मोहल्ले में खुशबू आती थी, हाँ वो चावल तो आज तक नहीं मिले थे। नहीं उस टाइम पे आपकी यानी क्या क्या रोटी खाते थे, कौन सी टाइम? उसकी ज्वार की रोटी खाते थे, अच्छा, हाँ और मक्का की महेरी बनती थी, मटा की, अच्छा हाँ मक्का, गेहूं की रोटी, जैसे आप शहर में तो सभी गेहूं की रोटी खाते हैं, हाँ 12 महीना 12 महीने पहले यानी तो नहीं मक्के की खाते थे, जैसे नई ज्वार आ गई तो उसकी रोटी खाने लगे, अच्छा बाजरा की भी, अच्छा, ज्वार की सब सब नाच खाते थे मतलब, अच्छा हाँ गेहूँ चने की भी रोटी खाते थे। तो पहले फूफी गेहूँ की रोटी क्या कब खाते थे? अब गेहूँ की जैसे अब कोई मेहमान आए हो तो बन जाए, ईद को जैसे अब गोश्त मीट बना तो अपने जब बन जाती थी, हाँ ऐसे पहला कैसा वो था ना यानी कि गेहूं की रोटी भी जब त्योहारों पे बनती थी तो ऐसा लगता, हाँ त्योहार ही ऐसा लगता था, हाँ गेहूं की रोटी भी, हाँ।